गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आप लोग के सामने एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें कि समांतर श्रेणी हम लोग पढ़, इसमें हम आपको क्या क्या सिखा चुके हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं 2 मिनट। तो सबसे पहले हम आपको कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है ये चीज़ बताए थे। तो क्या हम बताए थे, एपी को हम लोग एपी का सीरीज क्या माने थे, a a+b a+2d, ये ऐसा जो सीरीज है तो ये एपी का सीरीज है, ठीक। और ये प्रथम पद बोले थे, ये दूसरे पद बोले थे और ये तीसरा पद, तो इस दोनों को माइनस करते थे सार्वंतर निकल जाता था। तो ये सारे बात हम आप लोग को बता दिए। तो आज हम लोग सीखने जा रहे क्या कि एपी का कोई भी सीरीज दिया हुआ है, उस सीरीज में दसवां पद पूछ देगा क्या होगा, बीसवां पद पूछ देगा क्या होगा, एनवां पद पूछ देगा क्या होगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे पद को ज्ञात करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। इसमें हो सकता है कि आपको प्रथम एनवां पद मतलब दसवां पद दे दिया है तो आप पहला पद भी बता दीजिए या सार्वंतर बता दीजिए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये 3-4-5 बात पर ध्यान देगा। तो क्या क्या पूछ सकता है, तो पहले पूछ सकता है सार्वंतर, ये प्रथम पद क्या है, कभी आपसे सार्वंतर पूछ सकता है, तो कभी आपको पदों की संख्या पूछ देगा कि दसवां पद कौन होगा, बीसवां पद कौन होगा, और कभी पदों की संख्या पूछ देगा, नंबर्स ऑफ टर्म। तो ये 4 बात आपसे पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है आज इससे रिलेटेड यही चैप्टर है। इसके आगे वाला रिलेटेड चैप्टर से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आज हम लोग इस चीज को सीखेंगे ये 4 चीज निकालने के लिए। तो इससे पहले कि हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और एक दूसरे से जोड़ दीजिए। और एक विशेष बात आप लोग को ये भी बता देते हैं कि ये सारे चीज का यदि आप PDF चाहते हैं कि मेरा सॉल्यूशन मिले, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा टैलेंट मैथमेटिक्स जोन को, और वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। फायदा क्या है कि जो चीज भी हम टेस्ट लेते हैं क्लास में वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देते हैं, आप वहाँ से अपने से भी टेस्ट, आप फुल टेस्ट दे सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन लेकर के। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर जाइएगा और इसका PDF भी मिल जाएगा। जैसे ये बताएं आपका क्लास छूट गया, आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे स्वागत है। तो आइए आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से बोल दें, अगर आप नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग भी बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, निकाल लीजिए आप लोग, हेडिंग दे दीजिए एक्सरसाइज 5.2। इसमें कह रहा है एक बॉक्स दिया है और इस बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है, जो जो खाली स्थान है उसमें भरना है। कहता नहीं लिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ यहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, और एन जो है एन पदों की संख्या और ए एन अंतिम पद है, यही 4 बात बताए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, बुक रहना बहुत ही जरूरी है नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नंबर में दे दिया है तो आप लिखना है गिवन डेट दिया है, तो ए का मान दे दिया है, एक नीचे में दिया है ना, तो एक खटाल में जो चीज बिंदा बिंदा मतलब डॉट डॉट रहेगा उस चीज को आपको फाइंड करना है, और जो चीज दे दिया उस खटाल में जिस चीज का मान दे दिया जिस सामने के मान, वो चीज आपको क्या होगा गिव एंड डेट होगा, वो क्या होगा गिव एंड डेट मतलब दिया हुआ मान होगा। तो देखिए a बराबर 7 है, d इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है, और a n इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से समझ गए, देखिए हम एक दो बता रहे हैं एक दो छोड़ेंगे आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग कंसस होकर के ध्यान देना है। ए एन आपका निकालना है, एनवा पद निकालना है, आप लिखिए वी नो डेट, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन निकालना है तो ए एन, तो
तो देखिए तो a का मान कितना दिया है, 7 दिया है, n का मान कितना दिया है, 8 दिया है माइनस 1 सूत्र से, और d का मान देखो तो कितना दिया है, 3 दिया है, ये हो गया 7 और ये 7 गुना कितना 3, तो ये 7 और 7 21, 21 और 7 कितना 28 कटने रहा है, 28 तक ठीक कर। चलिए तो ए एन का मान कितना हो गया, तो ए एन का मान हम लोग निकाले कितना, ए एन, ए एन का मतलब हो गया ए टी एन का मान आठवां पद कितना हो गया, 28 हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, बुक रहना बहुत जरूरी है आप लोग के सामने, तो फिर समझने में दिक्कत होगा। हम दूसरा बता रहे कि ए प्रथम पद गिवन डेट दे दिया है ए इक्वल टू माइनस 18 दिया है, आपको d निकालना है, d इक्वल टू व्हाट कुछ दिया है, और n इक्वल टू 10 दे दिया है, और a n इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक। तो आपको पूछ रहा है कि इसका सार अंतर क्या है, तो आप फिर से लिखेंगे, we know that, हम जानते हैं कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो a का मान बोलो यहाँ से तो माइनस 18 प्लस n का मान बोलो कितना है 10 माइनस 1 सूत्र से हम बता चुके हैं, सारा इंट्रोडक्शन में करा चुके हैं। अब ये मत पूछना कि सर ए एन बराबर ही कहाँ से लाए, ये सूत्र है एनवा पदों का फॉर्मूला, ठीक। तो आप इंट्रोडक्शन में अगर नहीं देखे तो इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक। डी बोलो तो डी तो निकालना है, तो डी रहने दिए, और ए एन का मान बोलो कितना दिया है, 0 बैठा दिए, समझ में आ रही है ना बात, यस। तो चलो ये 0 हो गया, माइनस है तो इधर आएगा बराबर के इस पास, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये कितना 9 इंटू डी, 10 में 1 गया तो 9 इंटू डी, तो ये हो गया आपका, इस तरह लिख दो 9d इज इक्वल टू कितना 18, तो d इक्वल टू कितना 18 बटे 9, 9 दुना 18, इसलिए d इक्वल टू हो गया कितना 2, तो सार अंतर कितना निकाल लेते हो, तो भर लेना है। तो लास्ट बता रहे, एक और बता देते, बाकी नहीं बताएं, आप लोग खुद करना, सारे हमें बता देंगे तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट यही करना है, जस्ट यही करना, जो मन नहीं दिया रहेगा उस चीज को आपको क्या करना, वाट करना है, निकालना उस मान को, ठीक। तो चार नंबर देखो, चार नंबर में एन का मान पूछ रहा है, तो देखो पहले में हम ए एन का मान निकाले, दूसरे में डी का मान निकाले, तीसरे में एन का मान निकालने जा रहा है, आपको और जो चीज निकालना होगा आप निकाल लेना। चलो देखो तो लिखो यहाँ, given a is equal to minus 18.9, d is equal to 2.5, n equal to what, और a n equal to 3.6, तो आपको n का मान जो चीज का भी मान निकलेगा यही फॉर्मूला से निकलेगा, n का मान पूछेगा ये फॉर्मूला यूज करना, d का मान पूछेगा ये फॉर्मूला, सिर्फ इस एक्सरसाइज का बात कर रहे हैं, ऐसे तो a का मान अलग तरह से निकाल सकते हैं घटा d को इधर उधर करके, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जब ये चीज मान दिया हुआ है। चलो लिखो, we know that, तेजी से नोट करते जाओ आप लोग भी, तेजी से नोट करते जाओ, we know that क्या बोलेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलो ए एन का मान बोलो 3.6, ए का मान बोलो माइनस 18.9, अब प्लस एन का मान तो निकालना है तो वन में रहने दो, सीखो तेजी से तुम लोग गड़बड़ करेगा बाद में, एन माइनस वन, और डी का मान बोलो कितना है 2.5 है, समझो यहाँ क्या किए 3.6, ये माइनस है ना, इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, अब बराबर ये कितना हो गया n माइनस 1 इंटू कितना 2.5, तेजी से बोल दो कितना होगा 9 × 15 18 × 3 = 21 1 = 22 ना, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, समझ में आया, कट गया कैसे, यहाँ 10 और यहाँ भी 10, 10 10
कैंसिल, बराबर है तो बराबर में क्या होता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, इक्वल टू रहता है बीच में। तो ठीक, तो ये देखो ये हो गया एन माइनस वन। हाँ समझना गौर से ध्यान दे करके, एन माइनस वन 25 देखो गुना में है ना, और यहाँ कितना 225 है ना, तो 225 बटे कितना हो जाएगा 25 कितना बार में, 9 बार में, 9 पच्चीस 45 और 9 दुना 18 4 22 तो कट रहा है क्या? हाँ यहाँ नहीं कट रहा है, तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना निकल गया 9, तो एन बराबर कितना 9 × 1 = 10 ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तो नम्मा एनमा का एन का मान कितना हो गया, तो एन इक्वल टू हो गया 10, तो भर लेना 10। तेजी से लिखो, तेजी से लिखो।